नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। एक साल से अधिक तक चले किसान आंदोलन का पटाक्षेप आखिरकार गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के साथ हो गया। गुरु पर्व पर किसानों को दिए गए इस तोहफे के बाद प्रधानमंत्री का माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। ऐसा बड़े दिलवाला ही कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात का एक अर्थ होता है और उस पर विश्वास करते हुए किसानों को बड़प्पन दिखाते हुए आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। MSP के लिए कमेटी का गठन करवा करके कमेटी को कम से कम एक माह का समय देना चाहिए था। अगर किसान MSP को लेकर के जिद पर अड़ा रहा तो समाज में एक ही संदेश जाएगा कि अब आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का हाथों में चला गया। 3 कृषि कानून लागू होते ही किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ और इसका एक ही उद्देश्य था कि जब तक सरकार 3 का कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा और वे सभी घर वापस नहीं आएंगे। शुरुआत में MSP का कोई मुद्दा नहीं था, यह मुद्दा बाद में उठाया गया। पंजाब से निकल करके इस आंदोलन में हरियाणा में पैर पसारे, जो बाद में कुछ जिलों तक सीमित रहा। जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। आखिरकार किसानों ने दिल्ली और उसकी सीमाओं पर जाकर डेरा डाल दिया, जिसके बाद शुरू हुआ आर्थिक नुकसान। रोडवेज की बसों का परिचालन प्रभावित रहा, NCR में उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए, अनेक कारखाने बंद हो गए और हजारों लोग बेरोजगार भी हुए। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर जहां धरने लगे हुए थे, वहां आसपास लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई। किसानों और ग्रामीणों ने कई बार तनाव फैला। नेताओं के विरोध और गलत बयानबाजी के चलते जातीय संघर्ष की शुरुआत भी हुई। वहीं जाट और गैर जाट के बीच में दरार पैदा करने का प्रयास भी किया गया। आंदोलनकारियों पर कई प्रकार से तरह तरह के आरोप भी लगाते रहे। सिखों और हिंदुओं के बीच भी विवाद पैदा करने के प्रयास किए गए। इतना ही नहीं, इसका एक उल्लेख भी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार हरप्रीत सिंह ने भी किया। इस आंदोलन में कई मोड़ भी आए। 26 जनवरी की घटना के बाद आंदोलन प्रभावित हुआ और देश के खिलाफ खड़ा होने लगा था। लोग आंदोलन से खफा होने लगे थे, पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को संजीवनी दे दी, जिसके बाद आंदोलन प्रखर होता चला गया। सत्ता पक्ष के लोगों ने घरों के बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। विधायक और मंत्रियों के विरोध के विकास प्रभावित होने लगा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व पर 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को चौंका दिया। एक प्रकार से प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व पर किसानों को ये तोहफा दिया। प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखते हुए ये साफ कहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से बड़प्पन दिखाया और ये कह दिया कि वे कृषि कानूनों के मामले में किसानों को समझाने में असफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। प्रधानमंत्री का माफ़ी मांगना छोटी बात नहीं होती। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका एक अपने आप में अर्थ होता है। उस पर भरोसा करते हुए किसानों को तभी आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि किसानों ने जो MSP का मुद्दा उठाया है उसको लेकर के एक कमेटी का गठन करवाते हुए सरकार को एक माह का कम से कम समय देना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री 3 कृषि कानून वापस ले सकता है, वह MSP का भी कुछ न कुछ अवश्य हल निकालेगा। रही किसानों पर कर्ज तथा केस रद्द करने वाली मांगे, तो सरकार उन पर भी विचार कर सकती है। कानूनी राय लेकर के उन पर अमल किया जा सकता है, पर सरकार हत्या जैसे संगीन मामलों को वापस नहीं ले सकती। जहां बॉर्डर पर निहंगों ने जिस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या कर सब को लटका दिया, सरकार वह केस तो वापस नहीं ले सकती। किसानों को सरकार पर भरोसा जताते हुए कुछ समय देना चाहिए था।
किसान आंदोलन जारी रखने से समाज में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि यह आंदोलन राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कृषि कानून वापस लेने की खुशी में किसान जश्न मना सकता है, लेकिन वह बड़ा दिलवाला बनकर देश और समाज के हितों में आंदोलन खत्म करने की घोषणा भी कर सकता है। पीएम माफी मांगता है तो यह एक बड़प्पन है। इसके साथ किसानों को भी उनकी बात माननी चाहिए। जहां केंद्र सरकार ने भूमि अधिनियम लागू किया, उससे देश भर में विरोध हुआ। सरकार ने 2015 में इस कानून को वापस लिया और अब इसी सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद देश में नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान तो बढ़ा है, पर किसान नेता राकेश टिकैत सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके तीखी भाषा बोल रहे हैं। इससे किसान आंदोलन की साख प्रभावित हो रही है। आंसू बहाकर किसान आंदोलन को संजीवनी देने वाले राकेश टिकैत का कद अवश्य बड़ा था, पर अब जो वे कुछ भी कर रहे हैं, समाज उसे शोभनीय नहीं मान रहा, क्योंकि आंदोलन से उनकी साख भी पड़ी और उनका कद भी बढ़ा। एक कहावत भी है कि परिंदा चाहे जितनी भी उड़ान भर ले, वह आसमान पर जाकर जमीन पर जरूर लौटता है। आदमी को अपनी जमीन पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री की माफ़ी मांगने वाली बात को कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उनकी बात का भी सम्मान करना होगा। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो उसमें गैर राजनीतिक कहा जा रहा था। मंच पर किसी राजनीतिक दल के नेता ने और बैठने भी नहीं दिया गया। बाद में ये लगने लगा कि आंदोलन का नाम ही गैर राजनीतिक रहा, क्योंकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल खुलकर किसानों के साथ थे। वे अब भी चाहते थे कि आंदोलन वापस लिया जाए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो था ही नहीं। पिछले एक साल से विपक्षी दल किसान किसान खेल रहे थे, यानी किसानों के इस मुद्दे को काफ़ी भुनाने की कोशिश की गई। हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन की मजबूत कड़ी रहे और वे ही आंदोलन को अंजाम तक भी लेकर गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आंदोलन का असर रहा। प्रधानमंत्री ने अचानक फैसला सुना करके हर किसी को अचंभित कर दिया। अब विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि अगर किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया तो उनकी राजनीति पर ही ग्रहण लग जाएगा। किसानों को स्वयं निर्णय लेकर के देश हित में आंदोलन वापस लेना चाहिए, ताकि लोगों तक ये संदेश जाए कि किसान राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली नहीं रहा, और इस आंदोलन का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के आंदोलनों पर लोग और समाज भी विश्वास कर सके। अब या तो किसानों को बड़प्पन दिखाना होगा, या फिर इस आंदोलन का राजनीतिकरण न होना पाए। अब दोनों ही चीज़ें किसानों के हाथ में हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट, डॉक्टर गजेंद्र के साथ।